Hello students, very good morning. Today we are going to learn our chapter number 5, that is school's out high adventure. बच्चों आज हम इस लेसन का पार्ट 1 जो है इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे. इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ऑब्वियसली जैसा कि बाकी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं. नर्स, एनवी, इंटरेस्ट, लश, ऑकर्ड, एमिस, ओमिनसली एंड टॉरेंट. इनके वर्ड्स के मीनिंग आपके सामने दिए गए हैं. जैसे जैसे ये लेसन में वर्ड्स आएंगे वैसे वैसे मैं इसको डिस्क्राइब करता जाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. स्कूल्स आउट हाई एडवेंचर, दैट इज एक कुछ बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल की छुट्टियों में कुछ एडवेंचर्स करते हैं, उसके बारे में एक कहानी है. द लास्ट फ्यू डेज, यहाँ पे देखो एक चीज गलत है. द लास्ट फ्यू लिखा है, द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द समर वैकेशंस ईच वन ऑफ अस इन द क्लास नर्स्ड अ सीक्रेट प्लान एंड सप्रेस्ड एक्साइटमेंट. पिछले कुछ दिनों में हमारे समर वेकेशंस के ठीक पहले की बात है, हमारी क्लास का हर एक बच्चा आपस में कुछ सोच रहा था, कुछ मन में ला रहा था, कुछ मन में उनके चल रहा था और कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे अपने समर वेकेशंस के लिए और अपने एक्साइटमेंट्स को दबाए हुए थे. आई डू नॉट एनवी द पोजिशन आवर क्लास टीचर आवर टीचर वॉज इन. और मैं बिल्कुल नहीं देख सका, एनवी मतलब देख न सकना, मैं बिल्कुल नहीं देख सका हमारे टीचर इन किए क्लास के अंदर में हमारे उनकी पोजीशन को मैं नहीं दे सका. एज इट मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्योंकि क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था. बिकॉज एज वेल एज फोर्स फेड आवर डिस्ट्रैक्टेड माइंड विद द अनइंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ही वॉज इंटरेस्टेड विद, क्योंकि हमारे टीचर हमारी जो टीचर थी वो कुछ इस तरह की बातें हमें देती थी करने को, इस तरह का कुछ एक्सरसाइज करने को देती थी जो कि उसमें बिल्कुल ही हमारा जो माइंड लगता नहीं था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वहां से भटक जाता था. इस कारण से हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव का पता न चला. फॉर सम टाइम नाउ आई हैड बीन नेगोशिएटिंग स्पेंडिंग अ वीक ऑन माई ओन एट माई कजन निखिल्स प्लेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. कब और थोड़े समय के लिए वो कहते हैं, यहाँ राइटर कहते हैं कि मैं किसी तरीके से नेगोशिएट कर रहा था अपने पेरेंट्स को, उन्हें समझा रहा था कि इस बार हम अपना समर वेकेशन निखिल जो उसका कजन ब्रदर था उसके घर में उसके साथ में छुट्टियाँ बिताना चाहते हैं. निखिल वाज जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन मी एंड हैड प्रॉमिस्ड एन एडवेंचरस ट्रिप. निखिल मुझसे थोड़ा ही बड़ा था उम्र में और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम एक एडवेंचरस ट्रीट करेंगे, हम एक मतलब रोमांचक के कुछ कारनामे करेंगे. लिटिल डिड वी नो व्हाट वाज इन स्टोर फॉर अस. और मुझे हमें कुछ थोड़ा ही पता था कि हम आखिर करने क्या जा रहे हैं. फाइनली आई मैनेज टू गेट माई पेरेंट्स टू अग्री टू सेंड मी टू निखिल्स प्लेस फॉर अ वीक एंड माई अंकल एंड आंट अग्रीड एज वेल. अंततः मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया कि मैं और निखिल एक साथ में वहां पर जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, निखिल के यहां मैं जाऊंगा और उन्होंने फिर मेरे अंकल और आंटी को भी इस प्रकार मना लिया. द ट्रेन टिकट वॉज बुक्ड एंड यस स्कूल वॉज आउट एट लास्ट. ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई और स्कूल भी अपने अंतिम समय पर था, छुट्टियां होने वाली थी. एलिस कूपर सॉन्ग केम टू माइंड और हमारे दिमाग में एलिस कूपर का वो एंजॉय वाला सॉन्ग चल रहा था जो था कुछ इस प्रकार था. स्कूल्स आउट फॉर समर, स्कूल्स आउट फॉर एवर, स्कूल्स बीन ब्लोन टू पीसेज, नो मोर पेंसिल्स, नो मोर बुक्स, नो मोर टीचर्स डर्टी लुक्स. ये एलिस कूपर का एक सॉन्ग है. एट लास्ट I was at my cousin's place at Goldward. और अंततः अंत में मैं अपने कजन ब्रदर के घर जो कि गोलवर्ड एक स्लीपी टाउन विथ लश
ऑर्किड्स एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल सी. वहां पे मैं चला गया. गोलगढ़ एक जगह है महाराष्ट्र में, जो भी आपने सुना होगा, पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी कुछ दिनों पहले कुछ साधुओं की हत्या हुई थी. वहीं पे ये गोलगढ़ नाम का एक जगह है जो कि समुद्र के किनारे है. उसके आसपास में सी बीच है, ब्यूटीफुल सी है, और वहाँ पे हरे भरे बागीचे हैं. लश का मतलब हरा भरा, ऑर्किड का मतलब बागीचे या बाग. तो द बीच वॉज क्लीन एंड वाइट एंड देर वॉज अ शील्ड ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज दैट सेपरेटेड द बीच फ्रॉम द आईज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो बीच बहुत ही साफ सुथरा था और वहां पे चारों तरफ कॉनिफर्स ट्रीज यानी कि जो नुकीले जो शंकुधारी पेड़ होते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उन पेड़ों ने चारों तरफ से उस बीच को सेपरेट करके रखा था बाकी सारी दुनिया की नजरों से. बिसाइड्स दिस देयर वाज नथिंग मच एल्स ऑफ नोट बट ए शेल बट आई शैल नेवर एवर फॉरगेट दैट विजिट. इसके अलावा वहां पे और कुछ भी नोट करने लायक नहीं था, बट लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस यात्रा को कभी भी नहीं भूल सकूंगा. आफ्टर द पोलाइट एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स एंड द कैचिंग अप विथ न्यूज ऑफ बोथ साइड्स, निखिल एंड आई वर फाइनली लेफ्ट टू वॉन्डर ऑफ ऑन आवर ओन एंड डिस्कस आवर सीक्रेट प्लान्स. जो हम लोग मतलब पोलाइट एक्सचेंज यानी कि जो सामान्यतया किसी से मिलने पर जो ग्रीटिंग्स होती है, मिलना जुलना होता है, हाय हेलो जो होता है वो करने के बाद और दोनों तरफ के समाचार हाल चाल पूछ लेने के बाद, निखिल और मैं दोनों व्यक्ति घूमने के लिए निकलते हैं फाइनली, और डिस्कशन करते हैं कि हम अपने सीक्रेट कौन कौन से प्लान्स हम लोगों को करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं. निखिल प्रॉमिस्ड दैट ही वुड मेक माई स्टे इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल. निखिल ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरे इस यात्रा को, मैं वहाँ ठहरूंगा, मेरे स्टे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, रोचक बनाएगा और मेमोरेबल यानी यादगार बनाएगा. वी वुड मेक अ राफ्ट एंड ड्रिफ्ट आउट टू अ सीक्रेट आईलैंड दैट ही हैड डिस्कवर्ड नॉट फार ऑफ. हम एक राफ्ट बनाएंगे, राफ्ट मतलब लकड़ी का, जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनका बनाया गया एक छोटी सी नाव को कहते हैं राफ्ट, एंड ड्रिफ्ट आउट, और फिर उस नाव से हम निकल पड़ेंगे अपने सीक्रेट आइलैंड को खोजने के लिए जिसे अब तक नहीं खोजा जा सका है. नोबडी एवर वेंट देयर, कोई भी अब तक वहां नहीं गया. आई गेस दे वर स्केयर्ड ऑफ बाय द नेम इटसेल्फ, और मैं आशा करता हूं कि वे जो लोग इसके बारे में सुनेंगे वो इसका नाम ही सुनकर के केवल डर जाएंगे, क्योंकि उसका नाम इट वॉज कॉल्ड बुचर आइलैंड. बुचर मीन्स कसाई, जो लोग कसाई होते हैं उन लोगों को बुचर कहते हैं, तो इसका नाम ही सुनकर के लोग डर जाएंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी कलेक्टेड द ह्यूज लॉग्स ऑफ वुड लाइंग ऑन द बीच. अगली सुबह हमने बड़े बड़े लॉग्स मतलब लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, पेड़ों की जो बड़ी बड़ी डालियां मोटी मोटी, उनको हमने बीच के ऊपर इकट्ठा किया. वे हाइड देम बाय कवरिंग द पाइल विथ फॉलन ब्रांचेस. हमने उन्हें जो गिरी हुई जो ब्रांचेस थी मतलब जो टहनियां, उन टहनियों से हमने उन्हें उन पूरे लट्ठों को ढक दिया. We went into the marketplace to buy strong, thick rope, lots of it, to tie the logs together. और हम मार्केट गए, हमने वहां से बहुत सारी मोटी रस्सियां खरीदी उन लट्ठों को आपस में बांधने के लिए. We also needed a knife to smoothen out the logs and to cut the rope. हमें एक चाकू की भी जरूरत थी उन रस्सियों को काटने के लिए और जो लॉग्स थे लकड़ी के लट्ठे थे उन लट्ठों को चिकना करने के लिए. When we had all that we required, we rushed back to the beach to complete our task. जब हमें सारी चीजें मिल गई जिन चीजों की हमें जरूरत थी, हम बीच की तरफ भागे अपने काम को पूरा करने के लिए. It took us all of 3 hours, but wow, our raft was ready. हमें अपने राफ्ट को तैयार करने में, इस काम में तकरीबन पूरे 3 घंटे लगे, लेकिन बेहतरीन जो नाव बनी थी वो हमारी नाव बनकर तैयार हो गई थी. Should we go out to sea as yet? क्या हमें अभी तुरंत समुद्र में निकल जाना चाहिए था?
नो माई कजन सेड दैट वी शुड गो टू गो द नेक्स्ट मॉर्निंग. हमें कजन ब्रदर ने कहा कि नहीं, हमें अगली सुबह निकलना चाहिए था. इसके पीछे का कारण क्या था? दैट वे इफ एनीथिंग वेंट अमिस इट वुड स्टिल बी डे लाइट. अमिस का मतलब गड़बड़. उसका कहना यह था कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो हम अगले सुबह जब निकलेंगे तो ये दिन का मौसम होता, दिन होती होता, रात नहीं होती, और कुछ भी गड़बड़ होता तो हम संभाल लेते. एडवेंचर एट लास्ट, अंततः एडवेंचर शुरू हुआ. Wasn't that what young lads were meant for? ऐसा नहीं लगता है कि हम जो लड़के युवा जो हैं आखिर इसी चीज के लिए बने हैं. सो वी हैड टू वेट impatiently and please Nikhil's mother and dad by playing cricket and watching television and helping around the house. No one should be able to sniff out our secret. और इस प्रकार हमने क्या किया, बहुत ही impatiently यानी कि बहुत ही धीर गंभीर होकर के धैर्यपूर्वक हमने इंतजार किया और निखिल के माता पिता को हमने convince करने की कोशिश की. हम उनको ये बताना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने क्रिकेट खेला, हमने टेलीविजन देखा और हमने घर के कामों में मदद भी की ताकि किसी को कोई शक न हो कि हम क्या करने जा रहे हैं. और इस प्रकार से कोई भी किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं लगी. नो वन शुड बी एबल टू स्निफ आउट. स्निफ आउट का मतलब भनक लगना. द मॉर्निंग ऑफ, स्निफ आउट एक वर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा. स्निफ आउट, स्निफर डॉग्स इसी से बने हुए हैं. स्निफर यानी कि जिनको किसी चीज की भनक लगती है, कुत्तों को, वो कोई चीज खोज लेते हैं, तो इसी को कहते हैं भनक लगना. द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे डॉन्ड एज यूजुअल. अगला जो दिन था वो शुरुआत हुई और नेचुरल शुरुआत हुई, नॉर्मल शुरुआत हुई. प्रॉमिसिंग टू बी फाइन, प्रॉमिसिंग टू बी फाइन, वी वेंट थ्रू द मोशन ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग अ बाथ, रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड देन वी लेफ्ट द हाउस बाय 11. अगली जो सुबह थी एकदम नॉर्मल सी सुबह थी और सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था. हम जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के मोशन में थे. हमने नहाया, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद हम लगभग तकरीबन 11 बजे घर से निकल गए. ऑफ वी वेंट टू द बीच, मेड श्योर दैट नोबडी वॉज इन साइट, और मोर इम्पॉर्टेंटली देन दैट वी वर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय एनीवन. और हम घर से बाहर बीच की तरफ निकल पड़े, किसी को भी हमारे जाने की खबर न लगे ये ध्यान रखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई हमें देख तो नहीं रहा. वी पुश्ड द राफ्ट आउट टू सी एंड टुक द टू पैडल्स वी हैड रफली फैशन्ड आउट ऑफ द लॉग्स. हमने अपने राफ्ट को बाहर निकाला और समुद्र में डाल दिया, और हमने दो पैडल्स बनाए थे, दो पतवार बनाए थे जो कि रफली कट करके उन लट्ठों को, उन्हीं से हमने दो पतवार बना लिए थे. Everything was just fine and we were out on the open sea. सब कुछ ठीक चल रहा था और हम समुद्र, खुले समुद्र में थे. This is the life, we said. हमने कहा यही जीवन है. We must have been out at sea for near 3.5 hours. हमें तकरीबन समुद्र में पहुंचे हुए 3-3.5 घंटे हो चुके थे. When dark clouds loomed ominously above us. Ominously का मतलब होता है अशुभ. अमोनिस मतलब अशुभ होता है. तभी अचानक से चारों तरफ से घने बादल छाने लगे जो कि अशुभ की निशानी थे. देयर वर फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड थ्रेटनिंग थंडर. चारों तरफ बिजली चमकने लगी और थंडर यानी तूफान की जो गड़गड़ाहट होती है वो सुनाई देने लगी. देयर वॉज एन अननेचुरल स्टिलनेस फॉर अ वाइल एंड द स्काईज टुक ऑन अ पिक्यूलियर शेड. वहां पे एक अजीब सी खामोशी सी छा गई, अननेचुरल साइलेंस या स्टिलनेस इसको कहते हैं. स्टिलनेस मतलब ठहराव. जब तूफान आता है तो तूफान आने के पहले एक शांत हो जाता है, लगता है सब कुछ ठहर चुका है, वैसा माहौल आ गया. देन ऑल एट वंस वी नोटिस दैट द सर्किलिंग बर्ड्स वर नाउवेयर इन साइट. और हमने नोटिस किया, हमने देखा, हमें क्या दिखा, चारों तरफ चिड़िया जो गोल गोल घूम रही हैं. जब तूफान आता है उस समय ऐसा ही होता है. दिस वॉज गेटिंग फ्राइटनिंग एंड एक्साइटिंग बाई द मोमेंट. और ये जो पल था काफी डरावना था, काफी उत्साही पल था.
सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग इन टॉरेंट्स एंड द स्काई वॉज पिच ब्लैक। अचानक से काफी तेज टॉरेंट यानी तेज बौछार के साथ बारिश शुरू हो गई और आसमान जो था वो पूरा का पूरा काला हो गया। सोचो, यहाँ हमने इसका पार्ट वन देखा। इस पार्ट वन के बाद नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी उसमें इसका पार्ट टू भी हम देखेंगे। आपसे यही कहना है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें और इसके जो वर्ड्स हैं, आपको भी कई सारे न्यू वर्ड्स मिल सकते हैं, उन न्यू वर्ड्स को आप लिखें, उसके बारे में पूछें, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।